बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल इस्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल इस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वर्सेस पाकिस्तानी को। माशाल्लाह हमारी बहन भाई आते हैं, मिलते हैं, बड़ा खुश होता हूँ मैं भी और वो भी मेरे से मिल के उम्मीद है कि खुश होते होंगे। हमारा ये चैनल जो है ये सियाल इस्टेट सियाल फैमिलीज़ है, यानी कि जो हमारे साथ अटैच है वो हमारे फैमिलीज़ की तरह है। हमारी बहनें हमारे साथ अटैच रहते हैं, प्रॉपर्टी के रिलेटेड भाई हैं, जो भी लोग हमारे साथ अटैच हैं तो हम फैमिली की तरह ही उनको डील करते हैं और समझते हैं। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को खुश व खुर्रम रखे और आपकी ज़िंदगियों में बरकत दे, रिज्क में बरकत दे और मामला सारे अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे आप लोगों को। आज हम बात करेंगे वीकली अपडेट के ऊपर, वीक में क्या गुजरा। पिछले वीक में मैंने बताया था मार्केट बेहतरीन जा रही है। बेहतरीन से मतलब ये कि जो एक जमूद था वो टूटा है और मार्केट में दोबारा से थोड़ा सा कस्टमर रेशियो बढ़ना शुरू हो गई। उसका रिजल्ट ये था कि इस वीक में ट्रांसफ़र रेशियो जो 40 की ब्रैकेट में चली गई, जो कि 25-20 की ब्रैकेट में थी, इस वीक में माशाल्लाह से 40 को टच किया है, जो कि बेहतरीन स्कोर है। मैं समझता हूँ कि 50% मार्केट जब चलती है तो 50 ट्रांसफ़र्स होती हैं। अगर वो बहुत ही एक्स्ट्रा चलती है तो फिर 200 भी ट्रांसफ़र हुई है। पिछले 2021 में 210 ट्रांसफ़र तक भी गई है, फिर नॉर्मली 100 ट्रांसफ़र होती थी, वो और दौर था। ये जो दौर जा रहा है इसमें अगर स्मूथ मार्केट जेन्युइन कस्टमर के बेस पे भी चले तो 50 ट्रांसफ़र डेली बेसिस पे होने चाहिए, जो कि तकरीबन कोई 2000 आप ये कह लें कि 50 भी अगर हो तो कोई 1200 प्लाट ट्रांसफ़र होता है मार्केट में एक महीने के अंदर। अच्छी रेशो है ये, हम अच्छी रेशो इसको समझते हैं, सही स्कोर समझते हैं। इसके अंदर अगर आपको रहना है तो इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं फ़ायदा की बात करूं, काफ़ी लोग कहते हैं अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम क्या है, तो मैं समझता हूं कि वो जो टाइम पूछते थे वो ये टाइम है कि इस टाइम के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आज क्योंकि वीकली अपडेट है, मैं ओनली ये बताता हूँ कि मार्केट की रेशियो किस तरफ जा रही, अप जा रही, डाउन जा रही। जब डाउन होती है मैं डाउन बताता हूँ, जब अप जाती है मैं अप बताता हूँ। इस वक्त क्या सूरत हाल है तो वो माशाल्लाह से बेहतरीन जा रही है। अब बताना ये आपको कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें, ये सवाल आप कर सकते हैं मेरे से। चलो आप मेरे सामने नहीं बैठे तो आप मेरे से बाद में सवाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपका सवाल अपनी ज़बानी करके और उसका जवाब भी खुद देता हूँ कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी फेज 7, 9 प्रिज्म, फेज 10। इस वक्त ये चल लाहौर के अंदर ये बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें डिटेल में, क्योंकि इस हर फेज़ की मैं वीडियो लगाता हूँ उसमें आपको डिटेल में बताता हूँ कि आपको कैसे करना है और क्यों करना है। लेकिन आज क्योंकि सरसरी हमारा और भी काफ़ी टॉपिक होते हैं, हर डीएचए को डिस्कस करना है। डीएचए मुल्तान में इन्वेस्टमेंट बनती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है 2025 में। जहाँ पे जो पड़ा हुआ है वो आप होल्ड करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। पैनिक नहीं होना, जल्दी में नहीं प्लाट बेचने। ये मार्केट जब नीचे जाती है 2 साल तब भी लगे धीरे धीरे नीचे गई, अभी जब ये ऊपर जा रही तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगी और गैर महसूस तरीके से ऊपर जाएगी कि आपको महसूस भी नहीं होगा, मार्केट में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। यही टाइम है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और अपना सरमाया डबल करें, और डबल तो हो सकता है और डबल से ज़्यादा भी हो सकता है। डीएचए मुल्तान में सीन टावर बन रहा है, उसकी बुकिंग भी हम कर रहे हैं 03228888429 में से रब्ता कर सकते हैं। डीएचए मुल्तान नो डाउट चेंज है जनूबी पंजाब में, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। हाँ, लोगों ने कुछ नुकसान भी किया है, जो पीक रेट में उन्होंने उठाया अभी थोड़ा नुकसान भी हुआ, बट मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है अगर आप फेज 9 डीएचए मुल्तान के अंदर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे करें, डीएचए बहावलपुर के अंदर करें, गुजरांवाला में करें, पेशावर में करें, या आप इस्लामाबाद में करें किसी पॉकेट में। लेकिन मेरा जो अबूर है वो फेज 9 प्रिज्म, 10, 7 और जिन के डीएचए लाहौर के अंदर है, डीएचए मुल्तान के ऊपर है, तो जो हमारी कैपेसिटी के अंदर है वो हम आपके साथ चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। हमारी हमारा वक्त यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो बिफोर टाइम आपको शेयर हो, ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। फेज 10 के अंदर मैं बहुत कहता हूँ इस वजह से कि फेज 10 फ्यूचर का बहुत बड़ा गेम चेंजर है, उसके अंदर बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला है, उसका मैप बहुत अच्छा है, उसकी अप्रोच लोकेशन बहुत अच्छी है, तो आपको चाहिए कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो आज ये सरसरी हमने बड़ा शॉर्ट क्लिप बनाया कि इसके अंदर आपको सारी मार्केट की सिचुएशन बता दें, बाकी हम इंशाल्लाह हर प्रोजेक्ट के ऊपर अलहदा से बनाते हैं वीडियो, तो आपके तक पहुँचती रहती। आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।